तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कोई भी गड़बड़ ना हो इसलिए मैं पहले बता दूं कि एक प्रॉपर टूल किट का आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। कुछ भी गलत करने से बेटर है कि हम उसको सब कुछ देख पर रख के करें। अब इसमें ये रहा हमारा लैपटॉप। अगर हम इसका बैक पैनल देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ हमको करने की है वो हम बैटरी को रिमूव करेंगे। बैटरी आप निकाल लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बाहर निकालने वाले हैं तो उसका कहीं ना कहीं मदरबोर्ड के पावर सप्लाई से कनेक्शन होता है। सबसे पहले आपको बैटरी निकाल लेना है। उसके बाद टूल किट में फोर माउंट का स्क्रू आपको लेना है, और फोर माउंट के स्क्रू को लगाकर आपको आपके डीवीडी राइटर वाली जगह पर, यहाँ पर एक सेंटर स्क्रू होता है, इस सेंटर स्क्रू को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ये स्क्रू बाहर आ जाता है। इसको सेफली और संभाल के रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अभी नहीं निकलेगा ये, आपको ये दो स्क्रू और ओपन करना पड़ेंगे। इनको साथ में ही ओपन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपने लैपटॉप को डैमेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। स्क्रू निकालने के बाद आपको ये जो एंड दिख रहा है इसको बाहर की तरफ पुश करना है आपको। जैसे ही आप इसे बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये रही हमारी कैडी ड्राइव। कैडी ड्राइव में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक साटा ड्राइव है, साटा पोर्ट की ड्राइव है। साटा पोर्ट की ड्राइव ही आपको यहाँ पर यूज़ करना रहेगी। अगर आपका लैपटॉप नया है या 2016 या 17 के आसपास आपने इसको परचेज़ किया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी हार्ड डिस्क को इंसर्ट किया है। हार्ड डिस्क को आपको ऐसे लगाना होता है, हार्ड डिस्क लगाने के बाद जो स्पेस बच जाती है उस स्पेस में आप फोम का यूज़ कर सकते हैं, ताकि फोम यूज़ होने के कारण वो अपना पूरा एरिया कवर कर लेगा और आपकी हार्ड डिस्क खसकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये है हमारा डीवीडी राइटर, आप देख सकते हैं इनका शेप सेम है। इसमें मैंने क्या किया है, जो डीवीडी राइटर का ये वाला हिस्सा रहता है, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ से निकाला है और इसमें जो कैडी के साथ में आया था वो लगाया, इसे कैडी कहते हैं। ये जो माउंट दिख रहा है आपको ये लॉक होता है, और इस लॉक को आपको ऐसा कैसा निकाल कर यहाँ पर लगाना होता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से लगा हुआ है, दोनों के दोनों ही सेटा पोर्ट पे है। इसका ध्यान रखिए, इसको आपको कुछ ऐसे लगाना होता है, और फिर आप चाहें तो आप इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी लॉक हो गया, ये आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क वाला पार्ट हमारे पास में ही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लुक को इम्प्रूव करने के लिए आप कर सकते हैं। अभी हम इसको वापस निकाल लेते हैं, ये हमारा डीवीडी राइटर, इसको हम रख देते हैं साइड में। एक्चुअली क्या है, हमने SSD का यूज़ किया है, हमारी हार्ड डिस्क वाली जो प्लेस है वहाँ पर हमने SSD लगाई हुई है,
तो जो हार्ड डिस्क है वो बाहर आ जाती है, बट आपको SSD और हार्ड डिस्क साथ में यूज़ करना है, तो इस केस में आपको एक कैडी ड्राइव खरीदना होगी जो कि एग्जैक्टली कॉपी होता है हमारे DVD राइटर का, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मिल जाता है, इसमें आपको ये स्पेस मिल जाती है और इस स्पेस में आपको अपनी हार्ड डिस्क को इंसर्ट कर देना है और फिर आपको नॉर्मली इसको लगाना है। ऐसे लगाइएगा ताकि ये जो लॉक है यहाँ पर नीचे की तरफ आए, ये फिट हो गया यहाँ पर। नॉर्मली इसको आपको फिर से लॉक कर देना है। सबसे पहले सेंटर स्क्रू लगाएंगे, फिर साइड स्क्रूज, फिर हम बैटरी लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है, यहाँ पर हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। ऐसे में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी टूल किट आप ले रहे हो वो प्रॉपर टूल किट होना चाहिए। क्या टूल्स आप यूज़ कर रहे हो इसका ध्यान रखें। जो एग्जैक्ट माउंट लगना चाहिए वही माउंट आपको लगाकर अनस्क्रू करना होता है। ये हमारा DVD बे, इसका ये बहुत निकल जाता है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो ओरिजिनल आप निकालेंगे, ओरिजिनल निकालने में वो टूट भी सकता है, तो थोड़ा केयरफुली कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।